Dear students, in today's lecture, we will discuss the five kingdom classification system proposed by R. H. Whitaker in 1969. R. H. Whitaker distributed all the organisms under five major groups or the kingdom on the basis of a few criteria. These criteria were like type of cell, body organization, cell wall, nutrition, nucleus and the phylogenetic relationships among the organisms. So let's have a look how the organisms were distributed in five major groups and what are the names of the various groups or the kingdom proposed by R. H. Whitaker. This five kingdom classification system sorted out the limitations that we have faced in two kingdom classification system. So let's have a look how the five kingdom classification system was followed by R. H. Whitaker. We will start it from simple to complex. इसमें भी सबसे पहले हम सेल टाइप यानी कि कौन से इस टाइप की सेल होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेल के बेसिस पर हम इस सिस्टम को शुरू करेंगे. सेल्स को जैसे मैंने कहा कि इट कैन बी सिंपल और इट कैन बी कॉम्प्लेक्स. सिंपलेस्ट सेल्स आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द कॉम्प्लेक्स सेल्स आर द यूकैरियोटिक सेल्स. आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स विच डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री. न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर जिन पर मेम्ब्रेन होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रियम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, इस तरह के कोई भी स्ट्रक्चर्स उस सेल के अंदर नहीं पाए जाते. मतलब कि सिंपलेस्ट टाइप की या प्रिमिटिव टाइप की सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. और यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स सेल होती है जिसके अंदर सभी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है. तो इस बेस पर कि सेल कैसी है, इट इज सिंपल टाइप और यू कैन कॉल इट द प्रोकैरियोटिक सेल और इट इज द यूकैरियोटिक टाइप. इस बेसिस पर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को शुरू किया गया. तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया सेल टाइप का लिखा है. सेल टाइप वेदर इट इज द प्रोकैरियोटिक केस और इट इज द यूकैरियोटिक. तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स, इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल है और बाकी कौन से बचे, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जिनके पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं. तो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, सबसे पहला क्राइटेरिया यही फॉलो किया गया कि सेल देखी जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल टाइप वाज कंसीडर्ड एंड ऑन द बेसिस दे आर हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दे वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. तो फर्स्ट कैटेगरी व्हिच वाज हैविंग दो प्रोकैरियोटिक सेल, इट वाज गिवन ए नेम मोनेरा. सबसे पहला किंगडम जो बना उसका नाम रखा गया मोनेरा. किस बेस पे रखा गया कि इसमें सभी प्रोकैरियोट्स आ गए. अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई है, बाउंड्री लगा दी है, ये अलग करती है जितने भी और ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उन ऑर्गेनिज्म से जो प्रोकैरियोट्स हैं. प्रोकैरियोट्स के लिए एक किंगडम बना लिया गया है जिसको हम मोनेरा कहते हैं. तो अब इस लाइन से ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से बचे हैं हमारे पास, यूकैरियोट्स हैं. सो दिस वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप. अब इसके बाद हमारे पास जितने भी ये यूकैरियोट्स हैं इनको भी अब दो ग्रुप्स में बांटा गया. ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कि बॉडी में जो सेल्स हैं जो सारे ही यूकैरियोट्स, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर का जो ग्रुप है यूकैरियोट्स का है. तो अब देखा गया कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब कि वो यूनिसेलुलर है एंड या वो मल्टीसेलुलर है. मैंने आपको कहा था कि हम सिस्टम को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जा रहे हैं. यहाँ पे हमने सेल की टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है. अब हमारे पास क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स ही हैं तो अब हम उनमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे. जो सिंपल टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑब्वियसली वो यूनिसेलुलर टाइप का होता है, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म से पास सिंगल सेल होती है. सो ऑल द यूकैरियोट्स
were distributed among two main categories, the unicellular type and the multicellular type. यहाँ मैंने फिर से एक लाइन लगाई है. इस ग्रुप में आप देखिएगा, इसमें यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. तो मल्टीसेलर कहाँ रखी गए, बाकी यहाँ पर इससे ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी मल्टीसेलर के अंदर डाल दिए गए. सो दिस ग्रुप विच इंक्लूड्स द यूकैरियोट्स एंड यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, दे वर ग्रुप्ड इनटू ए किंगडम, दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए किंगडम विच वाज नोन एज प्रोटिस्टा. ये पहला किंगडम बनाया गया था प्रोकैरियोट्स का. इसके बाद अगला किंगडम जो बना है उसमें यूकैरियोट्स है और यूनिसेलुलर है. ओके, तो यहाँ पे हमने किस चीज की कॉम्प्लेक्सिटी देखी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, और ये दूसरा किंगडम हमारे पास आ गया. अब इस रेड लाइन से ऊपर की ओर ऑर्गेनिजम्स कौन बचे हैं, वो ऑर्गेनिज्म तो यूकैरियोट्स हैं और वो ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर हैं. ओके, अब इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को तीन मेजर ग्रुप्स में बांटा जाएगा या बांटा गया. वो किस तरीके से, इनमें देखा गया कि इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन किस तरीके का है. तो न्यूट्रिशन दो कैटेगरीज में हम कह सकते हैं, क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं कि वो ऑटोट्रॉप्स हैं या वो हिटरोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स और हिटरोट्रॉप्स. सो ऑल द मल्टीसेलर यानी इससे ऊपर के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें जितने भी ऑटोट्रॉप्स थे उनको प्लांटी किंगडम में डाल दिया गया. दे वर ऑल प्लांट्स. प्लांटी का अगर आपसे फीचर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे कि वो यूकैरियोट्स हैं, वो मल्टीसेलुलर हैं एंड ऑटोट्रॉप्स हैं. क्लियर. अब दूसरा जो ग्रुप बचा वो कौन सा है, दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास रह गए हिटरोट्रॉप्स. तो हिटरोट्रॉप्स में अब जो क्राइटेरिया रखा गया कि इनमें भी डिफरेंसेस कैसे किए जाए, हिटरोट्रॉप्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस वेदर सेल वॉल इज प्रेजेंट और नॉट. तो सेल वॉल अगर है, एब्सेंट है या नहीं है और प्रेजेंट है. इफ द सेल वॉल इज एब्सेंट देन द ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन एनिमेलिया, एंड इफ द सेल वॉल इज प्रेजेंट देन द ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन फंजाई. ये जितने भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स को तीन ग्रुप्स में बांट दिया गया. किस बेस पे, सबसे पहले तो डिवीजन किया गया कि वो ऑटोट्रॉप्स हैं या हेटरोट्रॉप्स हैं. ऑटोट्रॉप्स प्लांटी में डाल दिए गए. अब हमारे पास बचे हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स को ऑन द बेसिस वेदर दे हैव सेल, दे हैव सेल और नॉट, दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू फंजाई एंड एनिमेलिया. फंजाई हैव सेल वॉल बट एनिमेलिया इज नॉट हैविंग सेल वॉल. सो ये पांच किंगडम हमारे पास आ गए, मोनेरा जिसमें सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोटिस्टा जिसके अंदर यूनिसेलर और यूकैरियोट्स आते हैं, उसके बाद तीन और किंगडम प्लांटी फंजाई और एनिमेलिया. ये सभी मल्टीसेलर हैं लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलर हैं, ये दोनों हेटरोट्रॉफिक मल्टीसेलर हैं, लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है कि फंजाई में सेल वॉल होती है और एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल नहीं होती है. आप अगर इस डायग्राम को देखें तो हमने यहाँ पर एक लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया है कि वी आर मूविंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टाइप. यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट टाइप के ऑर्गेनिजम्स किस किंगडम में है, मोनेरा में है, क्योंकि इनकी तो सेल ही सिंपल टाइप की है. जबकि धीरे धीरे इससे हम कॉम्प्लेक्स यानी मोनेरा से कॉम्प्लेक्स कौन माने जाएंगे, प्रोटिस्टा माना जाएगा क्योंकि उसमें यूकैरियोटिक सेल है. लेकिन इस प्रोटिस्टा से कॉम्प्लेक्स कौन माने जाएंगे, वो ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीसेलुलर है. ये यूनिसेलुलर में आ जाते हैं, ये मल्टीसेलुलर में आ जाते हैं. ओके, सो दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तीन क्राइटेरियाज यहाँ पे, और फिर इन दोनों को हमने किस तरीके से डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. सो दिस इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो लेट्स हैव सम डिफरेंसेस इन दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स
लेट्स टेबुलेट, टेबल की फॉर्म में इनका एक जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ऑर्गेनिजम्स का जिन पॉइंट्स के बेसिस पे, उस टेबल को हम बनाए तो हमें पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स हैव द क्राइटेरिया, हम यहां लिख लें इसको मोनेरा मोनेरा, फर्स्ट किंगडम मोनेरा, देन द प्रोटिस्टा. ओके, आफ्टर दिस प्लांटी फंजाई एंड एनिमेलिया. ओके, एंड इनको हम कुछ क्राइटेरियाज अगर हम यहां पर लिखे लाइक द टाइप ऑफ सेल, न्यूक्लियस प्रेजेंट और एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड द न्यूट्रिशन. इस बेस पे अगर हम इन्हें क्लासिक इनके अंदर डिफरेंसेस इस टेबल में अगर करते हैं तो लाइक टाइप ऑफ सेल में मोनेरा में आप क्या लिखोगे? प्रोकैरियोटिक. यहां पे आप क्या लिखेंगे? यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ओके, उसके बाद न्यूक्लियस है या नहीं, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सेल्स में है या नहीं. तो क्योंकि प्रोकैरियोट्स है तो इनमें नहीं होगा. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट व्हाइल दे हैव ऑल दीज आर यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स, दैट्स व्हाई द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. सेल वॉल, सेल वॉल इज प्रेजेंट बट हियर द कंपोजिशन वी हैव टू राइट डाउन. पेप्टाइडोग्लाइकन, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स व्हाइल इन प्रोटिस्टा इट कैन बी प्रेजेंट और इट कैन बी एब्सेंट. इट इज नॉट ए fixed criteria to for this protist that they will be having cell wall or not. They are actually distributed, all these organisms are actually the unicellular ones. Okay, the plantae, all the plants have cell wall. Plantae kingdom organisms all have cell wall and essentially it is made up of cellulose, cellulosic in nature, while I have written here the peptidoglycan wall. Okay, the composition is different. Here also cell wall is present, but here again the composition is different. It is made up of chitin, while in case of animalia cell wall is absent. You can see that here we have distributed the two types of eukaryote on the basis of cell wall only. Okay, the animalia is not having the cell wall. Fungi have cell wall, but it is made up of chitin. It is different from the cell wall of plantae and of monera. Then the body organization, whether they are unicellular or multicellular. So these are the unicellular. These are also unicellular. Plantae, fungi, and animalia, all these are multicellular. But in this also, the simplest are the fungi, where they have only loose group of cells. There is even not well defined tissues in case of fungi. So they have loose group of cells, while the plantae have tissues and organs, but not organ system. While in animalia, which are the complex type of organism, they have well-defined tissues, organs, and organ systems. They have organs and organ systems, tissues. Okay? So, this is the type of protein organization. And now the nutrition. Consider the nutrition. So, nutrition in case of monera, they can be autotrophs or heterotrophs. Autotrophs, if you are saying that autotrophs can be
they can be photoautotrophs. Chemoautotrophs, they can synthesize their food by using the chemical energy that is released in their body, while photoautotrophs, they utilize the light energy. But all these autotrophs can prepare their own food. Okay, and if you are going to talk about the type of heterotrophs in Monera, they can be saprophytes or they can be parasites. Okay, while in case of protista, they can be autotrophs or heterotrophs. Plantae are only autotrophs. Fungi and animalia both are heterotrophs, but there is difference between their mode of nutrition. Both are heterotrophs, but these are having heterotrophic mode of nutrition of absorptive type, means they are mainly saprotrophs. They are saprotrophs, or they can be parasitic mode of nutrition. Saprotroph means they are depending upon the dead and decaying matter. They can absorb the nutrition from that dead decaying matter, and parasites are also going to absorb the material. So they are not having ingestion type of nutrition mode. While in case of animalia, these animalia, they are heterotrophs which can ingest their food. They have holozoic type of nutrition, and they may have parasitic mode of nutrition also. We will study it in next lectures. But here you can write down that these all the groups or the kingdom, they are classified on the basis of these major criterias. And because of distribution of all these organisms under five kingdom classification system, a number of limitations that we have faced into kingdom classification system was solved out. And I hope this is clear to you.